भारत सरकार समर्थित ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के बाजार में आने के बाद से फूड एग्रीटेक प्लेटफॉर्म को स्विगी और जोमेटो को कड़ी टक्कर मिल रही है। अब इससे स्विगी और जोमेटो को कितना खतरा है, आम आदमी को कितना फायदा होगा, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को सितंबर 2022 में बीटा के रूप में लॉन्च किया गया था। कई ग्राहकों ने हाल ही में नेटवर्क पर फूड और ग्रोसरी की डिलीवरी सर्विस के बारे में जाना और उनमें से कई इस बात पर हैरान हुए कि ONDC ऑर्डर लेने वाले एप्स पर खाना स्विगी और जोमेटो जैसी लोकप्रिय डिलीवरी सर्विस एप से सस्ता है। मामला केवल खाने के सस्ता होने का नहीं है, शेयर बाजार में लिस्टेड जोमेटो के शेयरों पर भी ONDC का असर दिख रहा है। पहले से ही घाटे में चल रही कंपनी के शेयर में मंगलवार को करीब 7% की गिरावट दर्ज की गई। दरअसल अमेरिकी फंड मैनेजर निवेशकों ने प्रतिस्पर्धी फूड डिलीवरी एग्रीगेटर स्विगी का मूल्यांकन घटाकर आधा कर दिया है, जिसका असर जोमेटो के शेयरों में भी देखने को मिला। रिपोर्ट के मुताबिक यहां आकलन करना जल्दबाजी होगी कि ONDC स्विगी और जोमेटो के कारोबार को कैसे प्रभावित करेगा, लेकिन यहां खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।